हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां पर पार्लियामेंट सर्वोच्च है। इसीलिए वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है। वहां पर संविधान सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च कौन है? संसद, पार्लियामेंट, वहां की विधायिका जिसको संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है उसको सुप्रीमेसी प्रदान की गई है। संविधान, हमें पता है कि वहां का संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, विकसित और अलिखित संविधान होने के कारण भी एक एक सिद्धांत वहां पर प्रचलित हुआ है जिसको हम कह रहे हैं ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहां पर संसद सर्वोच्च है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कि क्या वास्तव में संसद सर्वोच्च है या उस पर कुछ नियंत्रण है, ये पूरी बात हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बात के प्रारंभ में कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। We all know that Britain is a mother of parliament. संसद की जननी, संसदीय व्यवस्था कहीं पर उत्पन्न हुई है तो वो ब्रिटेन के नाम से जानी जाती है। तो ब्रिटेन संसद की जननी कहा जाता है, प्रारंभिक व्यवस्थापिका यानी कि जिसको कि वहां पर संसद कहा गया उसकी शुरुआत ब्रिटेन से ही हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, ब्रिटेन में संसद विकास का परिणाम रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आज संसद के दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और आज संसद की जिस प्रकार की संरचना है, जिस प्रकार के उसका स्टेटस, उसके पावर्स और फंक्शंस के आधार पर है। शुरू शुरू में जब वो संसद अस्तित्व में आई तब भी वैसी ही संरचना और वैसा ही स्टेटस था, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कन्वेंशन के बेसिस पर संसद पावरफुल होती गई और संसद आज ब्रिटिश राज व्यवस्था में इतना अहम स्थान रखती है कि हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट को ही सुप्रीमेसी प्रदान कर दी गई है। तो वहां पर ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान की गई है या संसद की सर्वोच्चता को महत्व प्रदान किया गया है। और इस महत्व के अंदर हम एक और चीज उल्लेखित कर सकते हैं कि ब्रिटेन में लंबे समय तक एक शक्तिशाली राजतंत्र रहा है और उस शक्तिशाली राजतंत्र के अंदर राजा ही या सम्राट को ही प्रमुखता प्रदान की गई थी। लेकिन जैसा हमने कहा कि कन्वेंशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, अभी समय ब्रिटिश संविधान के आधार है, तो उन्हीं अभी समयों के माध्यम से और कालांतर में कुछ रिटन लॉज के माध्यम से राजतंत्र को बिल्कुल दुर्बल बना दिया गया, राजतंत्र को संवैधानिक प्रधान मात्र के रूप में स्थापित किया गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक संस्था के रूप में, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया गया और धीरे धीरे उस पार्लियामेंट को इतना पावर दे दिया गया, इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि आज ब्रिटिश राज व्यवस्था में वो पार्लियामेंट या वो संसद सर्वोच्चता की स्थिति में पहुंच गई है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो पूरा डेवलपमेंट एक प्रोसेस के तहत हुआ है जिसमें कन्वेंशन और लॉज की भी अपनी प्रमुख भूमिका रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, तो ये कुछ प्रारंभिक बात जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा हमारा टॉपिक है संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन के अंदर, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का मीनिंग क्या है और फिर उसको हम ब्रिटेन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ, मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है इसका अर्थ। पार्लियामेंट का मतलब आप लोग जानते हो विधायिका, विधायिका का मतलब है
कानून बनाने वाली संस्था, हम लोग जानते हैं कि किसी भी अमूर्त राज्य जो इनविजिबल स्टेट है, उस इनविजिबल स्टेट को विजिबल रूप गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरकार जो कि विजिबल है, दृश्यमान है, मूर्त है, और उस सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उस अमूर्त राज्य के लिए कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका करती है, कानूनों के क्रियान्वयन का काम एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, और कानूनों की रक्षा का काम जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम बात केवल कानून निर्माण की करते हैं, तो कानून निर्माण के संदर्भ में हम केवल एक अंग की बात करते हैं सरकार के, और वो अंग है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब सरकार का वो अंग जो राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है। ब्रिटेन के अंदर उसी कानून बनाने वाले अंग को संसद कहा गया है ना? तो ये संसद जो कि विधायिका है, लेजिस्लेचर है, सरकार का एक अंग है, उसको वहां पर सुप्रीमेसी प्रदान की गई है। तो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है क्या? कानून बनाने वाली इस संस्था, या जिसको कि हम विधायिका या ब्रिटेन के अंदर संसद कह रहे हैं, एक जनरल नाम है विधायिका का, पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का अर्थ क्या है? पहला अर्थ हम लोग देख सकते हैं, विधि निर्माण की असीम शक्ति। विधि निर्माण, जो कि मैंने अभी बताया था, लेजिस्लेचर का एक बेसिक फंक्शन है, एक मूल कार्य है व्यवस्थापिका का, कानून निर्माण का। अभी बार गए, जब व्यवस्थापिका को कानून निर्माण की ये शक्ति असीम तौर पर प्राप्त हो जाए, असीम का मतलब क्या है? विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी बाउंडेशन, बिना किसी सीमा और बिना किसी नियंत्रण के, जब विधायिका को या संसद को ये कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये विधि निर्माण की असीम शक्ति है। ब्रिटेन में भी संसद को कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के पास ये जो विधायी क्षमता है कानून बनाने की, ये अमर्यादित है। अमर्यादित का मतलब इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ना तो संविधान का नियंत्रण है और ना ही वहां पर किसी और कानून का नियंत्रण है जिसके माध्यम से संसद की इस शक्ति को हम सीमित कह सकते हैं। संसद किसी भी विषय पर, यहां ध्यान रखना, मैं एक बात बोल रहा हूं कि ब्रिटेन में संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये असीम शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किसी भी विषय का मतलब ये है कि अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्राप्त है, जिसके ऊपर वो कानून बना सकती है। इसी तरह से वो न केवल कानून बना सकती है, बल्कि जो कानून पूर्ववर्ती संसद के द्वारा बनाए जा चुके हैं, उन कानूनों में किसी भी सीमा तक संशोधन कर सकती है, या जो कानून प्रचलित हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त भी कर सकती है। तो कहने का मतलब, न केवल कानून निर्माण के क्षेत्र में, बल्कि कानूनों के संशोधन और कानूनों की समाप्ति के संदर्भ में भी, जब व्यवस्थापिका को असीम, अमर्यादित, अनियंत्रित शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो हम ये कहते हैं ये संसदीय सर्वोच्चता है, ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। और ब्रिटेन में संसद के पास इतनी अमर्यादित शक्तियां हैं कि वहां पर एक विद्वान हुए हैं, डी लोमे। डी लोमे क्या कहते हैं? आपको कई बार ये बात मैं बता चुका हूं कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। अभी जैसे हमने कहा ना कि असीमित विषय उसके पास है, और वो किसी भी तरह का कानून बना सकती है, किसी भी तरह से उनमें संशोधन कर सकती है। तो उसी बात को रिफ्लेक्ट डिलो में कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है, केवल एक काम नहीं कर सकती, कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, यानी कि जेंडर चेंज नहीं कर सकती। ये नेचुरल चीज है, तो इस नेचुरल चीज को ब्रिटिश संसद चेंज नहीं कर सकती, अन्यथा आर्टिफिशियल तरीके से जो भी काम हो सकता है ब्रिटिश संसद के लिए, वो असंभव नहीं है, ब्रिटिश संसद वो सारे काम कर सकती है। तो ये ब्रिटेन के अंदर, या जब हम संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं, तो ये संसदीय सर्वोच्चता का पहला अर्थ कि संसद को विधि निर्माण की असीम शक्ति प्राप्त रहती है।
दूसरा अर्थ अगर हम देखें संसदीय सर्वोच्चता की, तो हम ये बता सकते हैं कि एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था, यानी कि कानून बनाने का दायित्व केवल और केवल एक ही इंस्टीट्यूशन को प्रदान किया गया है या एक ही इंस्टीट्यूशन को प्राप्त है, और वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? संसद, पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि संसद के अलावा और कोई अंग या और कोई इंस्टीट्यूशन या और कोई ऑर्गेनाइजेशन कानून निर्माण का काम नहीं करेंगे। तो सुप्रीमेसी कहां होती है? जहां एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है। ब्रिटेन के अंदर कानून बनाने की मोनोपोली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे सम्राट ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या कोई भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निकाय जिसको हम कह रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं दी गई है कि आप कानून बनाओगे। कानून बनाने का एकमात्र राइट अगर किसी के पास है तो वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। तो जब संसद को, केवल और केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, मतलब संसद एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का एक और अर्थ हम बता सकते हैं, है ना। यहां पर हम एक और चीज देख सकते हैं कि आप लोगों ने कल पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि ब्रिटेन के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था है, जिसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन में कानून और कानून बनाने की मोटी रूपरेखा संसद तय कर रही है, और उस कानून के बारे में जो बारीक प्रावधान है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा तय किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव जब कानून बना रही है तो फिर संसद एकमात्र संस्था कैसे हुई कानून निर्माण के क्षेत्र में? तो उसका लॉजिक हम क्या दे सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत भले ही एग्जीक्यूटिव कानून बना रही है, जितने भी सबऑर्डिनेट बॉडीज हैं या जो लोकल अथॉरिटी है, अगर वो कानून बनाती है तो वो किन विषयों पर कानून बनाएगी ये पार्लियामेंट तय करेगा। उनका क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा ये पार्लियामेंट तय करेगा। किस प्रोसेस से वो कानून बनाएंगे ये पार्लियामेंट तय करेगा। कहने का मतलब, जितनी भी सबऑर्डिनेट बॉडीज हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं, अगर वो कानून बना रही है तो वो संसदीय विधि के अधीन रहकर ही कानून नियम उपनियम बना रही है, वो इंडिपेंडेंट या सॉवरन होकर कानून नहीं बना सकती। ऐसे सारे अधीनस्थ निकाय या स्थानीय सत्ता जो कानून बनाती है, वो ना तो स्वतंत्र रहकर और ना ही संप्रभु रहकर कानूनों का निर्माण करते हैं, बल्कि संसद के दिशा निर्देशन में, संसद द्वारा तय की गई प्रक्रिया के आधार पर, संसद द्वारा सौंपे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। तो कहने का मतलब, इससे भी क्या प्रूव हो रहा है कि ब्रिटेन में संसद ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कानून निर्माण के क्षेत्र में एकाधिकार रखती है, सर्वोच्चता रखती है। तो ये दूसरा मीनिंग हुआ कानून निर्माण की एकमात्र संस्था। संसदीय सर्वोच्चता में तीसरा अर्थ हम बता सकते हैं विधि में अंतर। विधि का मतलब यहां पर कानून का अर्थ हम ले सकते हैं, विधि मतलब कानून। देखिए, किसी भी देश में विधि दो दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं और दूसरा जिसको हम सामान्य या जनरल लॉ कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या है? वो कानून जो कि संविधान में उल्लेखित हैं, जिनको बनाने की, जिनको संशोधित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जिनका अपना एक विशिष्ट महत्व है, ये संवैधानिक कानून कहलाते हैं। और दूसरा सामान्य कानून का मतलब क्या है? सामान्य कानून वो कानून जिन्हें व्यवस्थापिका बनाती है, जिनको बनाने की, संशोधित करने की एक अलग प्रक्रिया है। यानी कि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून, दोनों को बनाने की प्रक्रियाएं अलग हैं, दोनों को अमेंडमेंट करने की या संशोधन करने की प्रक्रियाएं अलग हैं। तो ये विधि के दो दो प्रकार हम सामान्यतः देशों के अंदर या राज्यों के अंदर देख सकते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। लेकिन जब हम ब्रिटेन के संदर्भ में बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पर जिस तरह से पार्लियामेंट सामान्य कानून बनाती है, उसी तरह से संवैधानिक कानूनों का भी निर्माण कर सकती है।
जिस तरह से सामान्य कानूनों में संशोधन किया जा सकता है उसी तरह से संवैधानिक कानूनों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो जो नेचर ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जनरल लॉ के बीच का, वो दोनों कॉमन है। सामान्य विधि, ब्रिटेन के अंदर सामान्य विधि और संवैधानिक विधि, दोनों को एक ही नजर से देखा जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा, संविधान जो है उसके माध्यम से भी इनमें कोई अंतर नहीं किया गया है। मतलब हम लोग यहां पर क्या क्या कहने जा रहे हैं कि संसद दोनों कानूनों को बनाने की समान प्रक्रिया रखती है, दोनों कानूनों के संशोधन की समान प्रक्रिया रखती है, और संविधान में भी ये मान्यता दी गई है कि दोनों ही प्रकार के कानूनों के क्षेत्र में संसद एक समान प्रक्रिया का उल्लेख करेगा। तो इस रूप में जब संसद के द्वारा संवैधानिक और सामान्य कानूनों को एक नजर से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये बात प्रूव करती है कि वहां पर संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशन के ऊपर आधारित है, इसीलिए संसद संवैधानिक और सामान्य कानूनों के बीच में कोई अंतर नहीं करती है। संसदीय सर्वोच्चता का एक चौथा अर्थ अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता में विधि की सर्वोच्चता होती है और विधि की सर्वव्यापकता होती है। विधि का मतलब कानून, कि संसदीय सर्वोच्चता में सर्वोच्च कौन है? कानून सर्वोच्च है। कानून की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? कानून की सर्वोच्चता का मतलब है कि विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ के तहत राज्य का बड़े से बड़ा पदाधिकारी और छोटे से छोटा कर्मचारी या एक कॉमन मैन सभी कानून के द्वारा शासित होंगे। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। किसी को भी, चाहे कोई सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को भी कानून के विरोध का अधिकार नहीं होगा, और ना ही कोई भी, यहां तक कि जुडिशरी भी, कानून को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। उन कानूनों को, यहां पर अभी हम देखें कि विधि के सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं, तो ये विधि बना कौन रहा है? ये संसद बना रही है। कि संसद जिस कानून को बना रही है वो कानून सर्वोच्च है। तो जब संसद के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है, इसका मतलब संसद खुद सर्वोच्च है, इसीलिए उसके द्वारा बनाए गए कानून की सर्वोच्चता स्थापित है। तो ब्रिटेन में जो विधि की सर्वोच्चता है, वो विधि की सर्वोच्चता भी संसद की सर्वोच्चता को या संसदीय संप्रभुता को रेखांकित करती है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि विधि सर्वव्यापी, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर विधि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ब्रिटेन के प्रत्येक कोने में समान रूप से ये विधि लागू हो रही है। आपको मैंने ब्रिटेन की शुरू में परिभाषा बताई थी, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। तो ये जो ब्रिटेन की संसद कानून बना रही है, ये पूरे ब्रिटेन पर लागू हो रहा है। इन ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून पूरे ब्रिटेन पर समान रूप से लागू है। ये उसकी सर्वव्यापकता, जिसको हम कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल तरीके से वो पूरे ब्रिटेन के ऊपर लागू हो रहा है। और किस रूप में? सर्वोच्चता के रूप में। विधि सर्वोच्च है और ये सर्वोच्च विधि सर्वव्यापी है। कोई भी पद, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन हो, सब, चाहे ब्रिटेन के किसी भी कोने में निवास कर रहे हो, सब इस सर्वोच्च विधि के अधीन है। उस सर्वोच्च विधि के जिसको कि संसद के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ब्रिटेन के अंदर ये विधि की सर्वोच्चता और विधि की सर्वव्यापकता भी ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता को रेखांकित करता है। एक आखिरी बात संसदीय सर्वोच्चता के संदर्भ में हम बता सकते हैं, लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं, उसका अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन में आप लोगों ने पढ़ा है कि सरकार के जो तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका को एक विशेष अधिकार या विशेष शक्ति प्राप्त है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।
इसमें वो करती क्या है कि यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका दोनों में से किसी के भी द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाए जो असंवैधानिक है तो उन कार्यों की जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, और जब न्यायपालिका को ये लगता है कि ये कार्य असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उन कार्यों को अवैध घोषित करके समाप्त कर सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का अर्थ कहा जाता है। किसी भी संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, शासन को निरंकुश होने से रोकने के लिए न्यायपालिका की ये शक्ति बहुत महत्व रखती है। लेकिन जब हम ब्रिटेन के संदर्भ में बात करते हैं तो ब्रिटेन की संसद पर ऐसा कोई पार्लियामेंट कोई जुडिशियल कंट्रोल नहीं है। ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि ब्रिटेन की संसद के पास असीम शक्तियां हैं, वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगर वो गलत कानून भी बना रही है, गलत क्षेत्र में भी कानून बना रही है, गलत प्रक्रिया से भी कानून बना रही है, तब भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती। तो ये जो लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अभाव है, उसने भी वहां पर संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित किया है। यहां तक कि हम क्या बता सकते हैं कि ब्रिटेन में न्यायपालिका का ये दायित्व है कि संसद जो भी कानून बना रही है उन कानूनों को वो लागू करेगी। संसद उसके पीछे ये न्यायपालिका उसके पीछे ये नहीं देखेगी कि ये कानून सही है या गलत। न्यायपालिका को केवल इतना देखना है कि ये कानून संसद ने बनाए हैं, इसलिए अब हमें इन कानूनों को एग्जीक्यूट करवाना है, इन कानूनों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का अभाव है ब्रिटेन के अंदर, इस जुडिशियल रिव्यू के अभाव के चलते भी वहां पर हम कह सकते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को वहां पर अपनाया गया है। ये देखिए क्लास बात मैंने बोला बताया कि अनुचित विधि को उचित करने का जिम्मा संसद का है, कि अगर कभी भूलवश संसद कोई गलत कानून बना भी देती है तो न्यायपालिका उसको नहीं सुधारेगी। जुडिशियल रिव्यू में क्या हो रहा है कि गलत कानूनों को समाप्त करके सही कानून बनाने की प्रेरणा न्यायपालिका देती है, लेकिन अगर ब्रिटेन के अंदर गलत कानून बन भी गए हैं तो उन कानूनों पर नियंत्रण न्यायपालिका का नहीं होगा बल्कि स्वयं संसद का होगा। वो खुद अपनी प्रक्रिया से उन कानूनों को संशोधित करके उचित बनाएगी। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव और उसके चलते संसद की जो भूमिका है, संसद का जो दायित्व है, उसके चलते ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई है। तो ये कुल कुल चार पांच बातें अभी हमने देखी। संसद के पास विधि निर्माण की जो असीम शक्ति है, विधि निर्माण की एकमात्र संस्था जो संसद है, विधि की जो सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता ब्रिटेन में स्थापित की गई है, ब्रिटेन में जो न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, इन और उस अभाव के चलते संसद को जो विशेष स्टेटस प्राप्त हुआ है, उन सब के चलते ही हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ये केवल संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ है। अब ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, इस बात को प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं, कुछ उदाहरण है जो ये प्रमाणित करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सर्वोच्च है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संसद के अपने कार्यकाल को लेकर ही हम बता सकते हैं। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो ब्रिटेन में लोअर हाउस जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन ब्रिटेन की संसद खुद अपने किसी कानून के द्वारा अपना ये टेन्योर बढ़ा भी सकती है और अपना ये टेन्योर घटा भी सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1715, सन 1715 के पहले इस निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 1715 में खुद संसद ने एक सप्तवर्षीय एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम से अपना कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया, यानी कि संसद ने खुद अपना कार्यकाल बढ़ाया। 1915 के अंदर फिर ऐसा रिपीटेशन हुआ जब पार्लियामेंट ने एक और पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया
और 7 वर्ष से उसका टेन्योर घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो कहने का मतलब ये दो एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना अपने हाउस ऑफ कॉमन्स के टेन्योर को एक्सटेंड किया था, उसके कार्यकाल को बढ़ाया था। तो कहने का मतलब संसद खुद अपना, और कोई ना तो संविधान ना कोई और दूसरा दूसरी विधि के द्वारा संसद का कार्यकाल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। संसद खुद अपना कार्यकाल अपने द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो प्रूव करता है कि ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा एग्जाम्पल हम सम्राट को लेकर देखते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में निरंकुश या सर्वोच्च राजतंत्र प्रचलित था। एक 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 प्राचीन संस्था जो राजतंत्र रही है ब्रिटेन के अंदर, वो एक शक्तिशाली राजतंत्र की संस्था रही है। इस शक्तिशाली राजतंत्र को वर्तमान में संवैधानिक प्रमुख मात्र बना दिया गया है। हमने पिछले टॉपिक में देखा था, वर्तमान में सम्राट जो है वो गोल्डन जीरो है, स्वर्णिम शक्ति शून्य है। तो इस गोल्डन जीरो शक्तिशाली राजतंत्र से ये शक्ति शून्य राजतंत्र के रूप में जो स्थिति आई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके पीछे पार्लियामेंट की भी अपनी भूमिका रही है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी सम्राट के टॉपिक में देखने की कोशिश की थी कि समय समय पर पार्लियामेंट ने कानून बनाकर तय किया कि सम्राट का उत्तराधिकार कैसा होगा, सम्राट के खर्चे कैसे होंगे, कौन से धर्म का व्यक्ति सम्राट बनेगा, सम्राट अगर नाबालिग है तो रिजेंट की व्यवस्था होगी, सम्राट केवल परामर्शदात्री कार्य करेगा, सम्राट के अपने कोई औपचारिक फंक्शंस जो संवैधानिक तौर पर उसमें निहित किए गए, सम्राट उनका प्रयोग नहीं करेगा। तो ये सब जो सम्राट की स्थिति बनी है, अभी समयों के साथ साथ उनमें संसदीय कानूनों का भी योगदान रहा है। संसदीय कानूनों ने भी सम्राट के पर कतरे हैं। सम्राट को शक्तिशाली राजतंत्र से एक औपचारिक प्रधान के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई है। तो यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि सम्राट को शक्ति शून्य बनाने में किसका योगदान है, संसद का। तो ये एक और एग्जाम्पल कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तीसरा एग्जाम्पल हम खुद पार्लियामेंट की के कॉम्पोजिशन और उसके पावर्स को लेकर बता सकते हैं। 1800 या 18 सेंचुरी से लगाकर अभी तक संसद ने ऐसे कई कानून बनाए हैं जिन कानूनों के माध्यम से संसद के जो दोनों सदन हैं, कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि निम्न सदन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उच्च सदन है, उन दोनों की सदस्य संख्या, उनके निर्वाचन के तरीके, मतदान का अधिकार किसे होगा, मतदाता की आयु क्या होगी, या लोड सभा कितनी पावरफुल होगी, या लोड सभा कॉमन सभा की तुलना में कितनी कमजोर होगी, ये सब इस संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर तय हुए हैं। तो कहने का मतलब संसद ने खुद कानून बनाकर अपनी संरचना और अपनी शक्तियों में समय समय पर बदलाव उत्पन्न किया है। तो ये काम किया किसने, खुद संसद ने। तो ये एक और एग्जाम्पल जो बताता है कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। नेक्स्ट, एक और देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में संसद कैसे सर्वोच्च है। संसद के अंदर ब्रिटेन के अंदर संसद को पूर्वव्यापी विधान और इनडेमिनिटी एक्ट का पावर प्राप्त है। देखिए इन दोनों का मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं पूर्वव्यापी विधान, इसको इसको समझने की कोशिश करना। ये प्रावधान जो है वो ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। जनरली क्या होता है, अगर जैसे मैं हमारे हमारे देश की बात करूं, आज 6 फरवरी 2021 को संसद ने कोई कानून बनाया तो भारत में वो कानून या तो आज से प्रभावी होगा या उस कानून में खुद कहा जाएगा कि ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फला तारीख से ये कानून प्रभावी माना जाएगा। यानी कि जो कानून जब बनता है तब से या भविष्य से उस कानून को प्रभावी माना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में संसद को क्या अधिकार प्राप्त है कि आज 6 फरवरी 2021 को अगर वो कोई कानून बना रही है तो संसद अगर चाहे तो ये कह सकती है कि ये कानून 6 फरवरी 1992 से प्रभावी रहेगा। मतलब किसी भी वर्तमान में बनाए गए कानून को
वो अतीत से भूतकाल से भी प्रभावी बना सकती है। तो ये जो उसको पूर्वव्यापी विधान की शक्ति प्राप्त है, इस पूर्वव्यापी प्रधान के आधार पर ब्रिटेन में संसद सर्वोच्चता की स्थिति को प्राप्त करती है। इसी तरह से एक दूसरा और अधिकार है इंडेमनिटी एक्ट। इंडेमनिटी एक्ट का मतलब क्या है कि देखिए कोई गलत काम कर दिया, इलीगल काम कर दिया। इलीगल का मतलब क्या है कि ऐसा काम जिसके संबंध में कोई कानून है ही नहीं, कानून को तोड़ते हुए कोई काम किया तो वो इलीगल काम हो गया। लेकिन इलीगल काम को भी लीगल बनाने का काम संसद कर सकती है। सपोज कोई ऐसा काम हो चुका है ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इलीगल है, तो संसद उससे रिलेटेड कानून बनाकर उसको लीगल घोषित करवा सकती है। तो ये इंडेमनिटी की जो पावर है ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास, इस पार्लियामेंट के आधार पर भी इस पावर के आधार पर भी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो आप देख सकते हैं ये दो प्रमुख एग्जाम्पल है, पूर्वव्यापी विधान और इंडेमनिटी एक्ट, जिसके माध्यम से ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं जो पूर्वव्यापी विधान या इंडेमनिटी एक्ट के तहत हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलते हैं। और इन दोनों शक्तियों के आधार पर ही एक विद्वान हुए हैं डाइसी। डाइसी क्या कहते हैं, आप देखिएगा कि इन दोनों शक्तियों के आधार पर ब्रिटेन में संसद किसी भी शिशु को प्रौढ़ साबित कर सकती है। देखो कोई बच्चा है, लेकिन संसद कानून बनाकर क्या कह सकती है कि ये बच्चा नहीं है, ये तो प्रौढ़ व्यक्ति है। किसी कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए तो मरने के बाद भी उसे देशद्रोही करार दे सकती है संसद कानून बनाकर। किसी भी गैर कानूनी इलीगल संतान को संसद कानून बनाकर लीगल घोषित करवा सकती है। यहां तक कि संसद को इतना पावर है कि अगर कोई विक्टिम है, कोई आरोपी है किसी न्यायिक विवाद के दौरान, तो संसद अगर चाहे तो उस आरोपी को खुद जज बना सकती है। मतलब इतना पावर है संसद के पास कि वो कुछ भी कर सकती है इन पूर्वव्यापी विधानों या इंडेमनिटी एक्ट के तहत, जिसके तहत वो अवैध को वैध और किसी कानून को पूर्व समय से प्रचलित करवा सकती है। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें तो इसको समझने की कोशिश करना कि जब हम ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं तो कौन सी संसद, प्रत्येक संसद अपने अपने समय में सर्वोच्च है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से समझना, प्रत्येक संसद अपने समय में सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या है कि आज 2021 में अगर चुनाव हुए कॉमन सभा के, उसका कार्यकाल है 5 वर्ष यानी कि 2026, तो इस टेन्योर में जो पार्लियामेंट काम कर रही है वो सुप्रीम है। 2026 में नए इलेक्शन के बाद जो नई पार्लियामेंट आएगी, नए मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, उस समय वो संसद सर्वोच्च रहेगी। अतीत में जो पार्लियामेंट रही है अपने समय में वो सर्वोच्च थी। कोई भी पार्लियामेंट अपने समय में सर्वोच्च रहती है, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए किसी भी उत्तराधिकारी संसद को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको समझना, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है लेकिन अर्थ बहुत सरल है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 2021 से 2026 तक जो पार्लियामेंट चल रही है, वो कानून बनाकर जो आने वाली पार्लियामेंट है 2026 से 2031 तक, उसको बाउंड नहीं कर सकती कि आप ऐसा नहीं करोगे और आप ऐसा करोगे। अभी वाली संसद के लोग अभी वाली संसद की शक्तियों का निर्बाध तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उस निर्बाधता की शक्तियों के चलते आने वाली संसद को बाधित कर दें। आने वाली संसद उस समय अपनी शक्तियों का निर्बाध तरीके से प्रयोग करेंगी और उसके चलते वो पहले की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी संशोधित कर सकते हैं, है ना। कोई भी कानून अपरिवर्तनीय नहीं है, असंशोधनीय नहीं है। हो सकता है 1905 की संसद ने जो कानून बनाए हैं 2021 की संसद उनको संशोधित कर दे या उनको परिवर्तित कर दे। 2021 की संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, हो सकता है कि 2040 या 45 की संसद के द्वारा उन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए। कहने का मतलब अपने अपने समय की हर संसद अपने अपने काल में सर्वोच्च स्थिति में रहते हुए कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रत्येक भावी संसद जो कि भविष्य में आने वाली है,
वो वर्तमान की संसद की तरह ही सर्वोच्च रहते हुए कार्य करेगी और न्यायपालिका प्रत्येक संसद के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी। प्रत्येक न्यायपालिका का ये काम होगा कि वो अपने से संबंधित संसद के अधिनियमों को लागू करवाए, उनका पालन करवाए। तो ये एक और संसदीय सर्वोच्चता का एग्जाम्पल जो कि हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संसद के पास मृत्युदंड देने का अधिकार भी है। 1535 में थॉमस मूर को और 1649 के अंदर सम्राट चार्ल्स प्रथम को खुद संसद ने अपने कानून बनाकर फांसी की सजा दी थी। तो ये दो एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि हालांकि न्याय प्रदान करने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि दंडित करने का काम संसद के द्वारा किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसी तरह से शासन को परिवर्तित करने का, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ब्रिटेन के अंदर 1649 से लगाकर 1660 तक वहां पर रिपब्लिकन नेचर रहा है, ब्रिटिश राज व्यवस्था में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। तो संसद ने कानून बनाकर राजतंत्र से गणतंत्र और वापिस 1660 में गणतंत्र से राजतंत्र में परिवर्तन खुद संसद ने किया है। तो शासन में परिवर्तन करने का काम भी संसद खुद कर रही है। तो ये एक और एग्जाम्पल क्या सेट कर रहा है कि ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ब्रिटेन के अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं है न्यायपालिका के पास, लेकिन संसद अगर चाहे तो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू दे सकती है। एक एग्जाम्पल है 1965 का, जब एक एक्ट बना था राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज दिया जा सकता है न्यायपालिका के अंदर। खुद पार्लियामेंट ने यह पावर दिया है जुडिशरी को। तो कहने का मतलब हालांकि वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, लेकिन संसद खुद कुछ क्षेत्रों में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दे सकती है। ब्रिटेन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा यह वहां पर पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाता है। एग्जीक्यूटिव को कौन सा कानून बनाने का अधिकार होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत, यह संसद के द्वारा तय किया जाता है। तो कहने का मतलब संसद, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन के अंदर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। संसद जो कानून बना रही है वो राष्ट्रीय विधि कहला रही है, नेशनल लॉ कहला रही है। और हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि का मतलब क्या है कि विश्व के अंदर सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, जिन कानूनों का पालन एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं स्वाभाविक तौर पर इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में हम क्या बता सकते हैं कि ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून संसद की सर्वोच्चता को लिमिटेशन प्रदान नहीं करते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ब्रिटेन की संसद इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मुक्त रहते हुए काम करती है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध ऐसा कोई कानून वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती ही नहीं है, और अगर बन भी जाए, हम कल्पना कर लें कि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बन भी जाए जो इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध हो, तब भी न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती। कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने स्थानीय या सामान्य कानूनों का निर्माण करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखते हुए, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाने का अधिकार का प्रयोग करती है। तो ये एक और फैक्टर है जिसके चलते हम ये बता सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, संसदीय सर्वोच्चता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ क्या है, और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे बहुत सारे जो ये प्रूव करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट
सुप्रीम है। लेकिन अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या वास्तव में वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के प्रिंसिपल को एज इट रूप में स्वीकार किया जाता है जैसा कि स्कॉलर्स बताते हैं, या इसको मैं दूसरे रूप में यह भी कह सकता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीमेसी के बेस पर क्या एब्सोल्यूट है, क्या निरंकुश है, क्या बिना प्रतिबंधों के काम करती है? तो कुछ सवाल हमारे सामने उठना लाजमी है कि भले ही ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च है, संसद जो कानून बना रही है वो कानून सर्वोच्च है, भले ही संसद के द्वारा बनाए गए कानून यूनिवर्सली पूरे ब्रिटेन के अंदर समान रूप से महत्व रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक बात कह सकते हैं कि पार्लियामेंट डजंट वर्क इन वैक्यूम, संसद शून्यता में कभी काम नहीं करती। देखिए ये एक बहुत टिपिकल फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है, इसको समझने की जरूरत है। संसद शून्यता में काम नहीं करती का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति निरंकुश कब हो सकता है? ये एक बंद कमरा है और इसके अंदर कोई भी नहीं है मेरे सिवा, तो मैं जो चाहे मन मर्जी से वो काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे साथ इस कमरे के अंदर कोई और आ रहा है, कुछ और सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रही है, एक नया एनवायरनमेंट अगर इस कमरे में बिल्ड हो रहा है, तो मैं एब्सोल्यूट होकर काम नहीं कर सकता। मैं निरंकुश कब हो सकता हूं? जब एक वैक्यूम हो, जब बिल्कुल खाली स्थिति हो जो मेरे अकॉर्डिंग हो। तो ब्रिटेन में संसद कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करती है, शून्यता में काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि संसद ब्रिटिश सोसाइटी के एनवायरमेंट में काम करती है और उस सोसाइटी के अंदर, जिसको कि हम ब्रिटिश सोसाइटी कह रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सोसाइटी हो, इकोनॉमिक सोसाइटी हो, कल्चरल सोसाइटी हो, सोशल सोसाइटी हो, उस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट या उस एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस इस पार्लियामेंट के ऊपर रहता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वैक्यूम में काम नहीं कर रही है, शून्यता में काम नहीं कर रही है। और जब वो शून्यता या वैक्यूम में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि भले ही ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च हो, लेकिन वो उसकी निरंकुशता पर कुछ थ्योरिटिकल और कुछ प्रैक्टिकल बाउंडेशंस हैं, और उन दोनों बाउंडेशंस को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है। ब्रिटेन की संसद सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों मर्यादाओं में बंध कर ही अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। तो ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर लिमिटेशन लगाती हैं, उन्हीं कुछ बातों को हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर देख सकते हैं, पॉलिटिकल लिमिटेशंस, राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाओं का मतलब क्या है कि अभी हमने कहा कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है ना। पार्लियामेंट सुप्रीम और सॉवरन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर लोगों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कौन कर रहा है? जनता कर रही है, और जनता अपनी ओपिनियन के माध्यम से उस पार्लियामेंट के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर नियंत्रण लगाए रखने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बोरिस जॉनसन वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो केवल यही चाहते हैं कि वो और उनका दल अभी इसी समय सत्ता में रहे, भविष्य में उनके दल को या उनको सरकार प्राप्त न हो, बहुमत प्राप्त ना हो? अगर वो ये चाहते हैं कि भविष्य में भी उनका दल सत्ता में आए, तो वो जनहितों को, जन इच्छाओं को या जनमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, उन भावनाओं को, जन मान्यताओं को, उनके हितों को कंसीडर इस पार्लियामेंट को करना ही होगा, और अगर वो करती है तब उनको एक अगला मौका जनता प्रदान करेगी। तो कहने का मतलब, इनडायरेक्टली जनमत का नियंत्रण रहता है पार्लियामेंट के ऊपर, और उस जनमत के बंधन में बंधकर ही पार्लियामेंट कानून बनाने का कार्य करती है। ये जनमत केवल चुनावों के समय व्यक्त नहीं होता है,
बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारे मोड ऐसे हैं जिनमें हम कम्युनिकेशन मोड की बात कर सकते हैं, जिनमें हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर सकते हैं। ये सारे मोड ऐसे हैं जो जन इच्छाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं, जनता क्या सोचती है। सपोज करो आज आज प्रधानमंत्री ने कोई गलत काम किया तो, या गलत निर्णय लेने वाली है, या संसद कोई गलत कानून बनाने वाली है बहुमत के आधार पर, तो विरोधी दल क्या कहेंगे कि जनता ऐसा नहीं चाहती है। जनता क्या चाहती है वो बात वो सदन के अंदर रखेगी। संचार माध्यम, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, ये संचार माध्यम, या अब जो सोशल मीडिया आ गया है वो, ये संचार माध्यम जनमत को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और जब जनमत प्रस्तुत होता है अलग-अलग माध्यमों से, तो उससे संसद की शक्तियां सीमित होती है, लिमिटेड होती है। और संसद समय-समय पर प्रस्तुत या प्रकट होने वाली इन इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर सकता, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये पहला पॉलिटिकल लिमिटेशन हम बता सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर। दूसरी लिमिटेशन हम बता सकते हैं मॉरल लिमिटेशंस, नैतिक सीमाएं। नैतिक सीमाओं का मतलब क्या है कि कहने के तौर पर ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, असीमित, अमर्यादित, अनियंत्रित तरीके से कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये संसद एक सोशल एनवायरनमेंट में काम कर रही है, एक ये इसके एक सामाजिक पर्यावरण इन संसद के चारों तरफ घिरा हुआ है, और उस समाज की संस्कृति कैसी है, उस समाज की नैतिक मान्यताएं क्या है, उस समाज में प्रचलित रूढ़ियां और परंपराएं क्या है, उस समाज में रहने वाले अलग-अलग क्लासेस, जितने भी वर्ग हैं, उनके अपने इंटरेस्ट क्या है, उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए संसद को कानून बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि संसद, जैसे जैसे अभी हमने कहा, संसद वैक्यूम में काम नहीं कर रही है, संसद सोशल एनवायरनमेंट में काम कर रही है। तो नैतिक तौर पर संसद बंधी हुई है कि वो जिन लोगों के लिए और जिन लोगों के पर्यावरण में वो काम कर रही है, उन लोगों की मान्यताओं का, उनके इंटरेस्ट का, उनके विश्वास का, उनकी अभिव्यक्तियों का, उनकी परंपराओं का, उनकी रूढ़ियों का ध्यान रखना ही होगा। संसद ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि लोग नाराज हो और ब्रिटिश सोसाइटी प्रभावित हो। तो ये मॉरल बाउंडेशन भी है जो संसद की सुप्रीमेसी को लिमिट में रखते हैं। तीसरा, रूढ़िया या परंपराएं, है ना। सामान्यतः हम लोगों ने क्या कहा कि ब्रिटेन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादातर कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है, अभी समय के ऊपर आधारित है, रूढ़ियों और परंपराओं के ऊपर आधारित है। और ये रूढ़िया ही, ये अभी समय और परंपराएं ही ब्रिटिश संविधान को लंबे समय से अनरिटन फॉर्म में आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश संविधान अनरिटन है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूटी में क्यों है, क्योंकि अभी समयों का निरंतर पालन हो रहा है। और ये अभी समय कौन आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रिटिश लोग, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, वो ही रूढ़िवादी लोग ब्रिटिश संविधान में परंपराओं और अभिसमयों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए संसद इन अभिसमयों को समाप्त नहीं करती है, इनके महत्व को, इनकी प्रामाणिकता को, इनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर ब्रिटेन की संसद इन पर प्रचलित रूढ़ियों को या अभिसमयों को समाप्त कर देगी, तो एक प्रकार से गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, एक एक कॉन्फ्लिक्ट लोगों के और संसद के बीच में स्थापित हो सकता है। तो इसीलिए संसद इन्हें समाप्त नहीं करती, बल्कि इनका सम्मान करते हुए इनके अनुकूल आचरण करती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर रूढ़ियों और अभिसमयों का भी नियंत्रण है। नेक्स्ट, अगली बात हम बता सकते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में है, उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ का भी नियंत्रण है, विधि के शासन का भी नियंत्रण है। विधि के शासन के नियंत्रण का मतलब क्या है कि ब्रिटेन के अंदर कानून सर्वोच्च है, भले ही वो कानून संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन खुद संसद के सदस्य उस कानून की अवहेलना नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, सपोज ब्रिटेन की संसद ने संसदीय सर्वोच्चता के तहत कोई गलत कानून बना दिया है,
तो अगली संसद या वही संसद उस कानून को समाप्त भी कर सकती है। किसी भी विधि की वैधता, ये ध्यान रखना मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, किसी भी कानून की वैधता तब तक है जब तक कि वो कानून बना हुआ है, लेकिन किसी कानून के ही माध्यम से उस प्रचलित कानून को समाप्त भी किया जा सकता है जो गलत है। तो विधि के शासन को स्थापित कौन कर रहा है? विधि के शासन को स्थापित विधि के द्वारा ही किया जा रहा है और उसको समाप्त भी विधि के द्वारा किया जा रहा है। तो विधि का जो शासन है वो भी संसद की सर्वोच्चता को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है। इसी तरह से एक और फैक्टर हम बता सकते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त विधान। अभी हमने कहा था कि थोड़ी देर पहले कि ब्रिटेन के अंदर संसद ही एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है और इसलिए वो सर्वोच्च है। उसमें हमने एक बात और देखी थी कि जो जितने भी सबोर्डिनेट्स बॉडी है या जो लोकल अथॉरिटी है, वो जो कानून बनाती है वो संसद के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कानून बनाती है। इसलिए हमने कहा था कि ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन में हो क्या रहा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के चलते एग्जीक्यूटिव को एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे विषय प्राप्त हो रहे हैं जिस पर वो खुद अपने हिसाब से नियम और उपनियम तय कर रही है। संसद उन नियमों और उपनियमों में ना तो दखलंदाजी कर रही है ना हस्तक्षेप कर रही है, बल्कि संसद ये इस बात पर उनको प्रामाणिकता प्रदान कर रही है कि ये जो कानून है ये सारे कानून शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है, इसीलिए कार्यपालिका के द्वारा इन इन सुचारू नियमों और उपनियमों का निर्माण प्रदत्त विधान के तहत किया जा रहा है। तो कहने का मतलब अब प्रदत्त विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शक्ति ने भी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इफेक्ट किया है, उसे प्रभावित करने का काम किया है। कार्यपालिका की शक्तियां इतनी एक्सटेंड हुई है, उनको इतना एक्सपांशन मिला है कि हम लोग कह सकते हैं कि संसद अब कानून के निर्माण के क्षेत्र में थोड़ी कमजोर हुई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण। उसके दो रीजन है, एक संसद के पास समय की भी कमी है और दूसरा संसद के लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जितने की ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव साउंड होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि किसी लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए कौन कौन से नियम और उपनियमों की जरूरत होती है, इसीलिए वो प्रदत्त विधान के तहत प्रभावी नियम या उपनियम बताते हैं। तो प्रदत्त विधान के तहत कानून निर्माण के क्षेत्र में जो पार्लियामेंट की मोनोपोली थी, जो उसका एकाधिकार था, वो समाप्त हुआ है और हम कह सकते हैं कि उससे संसदीय सर्वोच्चता प्रभावित हुई है। एक अगला रीजन अगर हम देखें तो हम ये भी बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चलते भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की शक्तियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ब्रिटिश लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ से प्रभावित नहीं है, संसद अंतरराष्ट्रीय कानूनों से प्रभावित हुए बगैर अपने कानूनों का निर्माण करती है, इसलिए वो सर्वोच्च है। लेकिन ये थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या बता सकते हैं कि ब्रिटेन भी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का एक पार्ट है, जो पूरी वैश्विक व्यवस्था बनी है उस वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने आप को उससे अलग नहीं रख सकता, इसीलिए पूरी विश्व व्यवस्था को मेंटेन करवाने में भी ब्रिटेन की अपनी भूमिका है। इसीलिए ब्रिटेन ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता ब्रिटिश पार्लियामेंट, या ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को खतरा पहुंचे। और इसीलिए जो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं उनको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून बनाने होते हैं। सपोज एक एक बात हम करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व को युद्धों से बचाए रखने के लिए परमाणु को समाप्त करने की या परमाणु शक्ति को सीमित करने की बात चल रही है, तो ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि ब्रिटेन को परमाणु के क्षेत्र में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है, इस जिम्मेदारी से वो अपने आप को बचा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से
मोरलिटी के नाम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंटरनेशनल लॉ से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ या यूएनओ की जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे वो प्रतिबंधित है, या हम कह सकते हैं कि उनके इन्फ्लुएंस में रहकर वो अपने कार्य करती है। तो ये इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को इफेक्ट कर रहे हैं। एक अगली बात और यहां पर हम बता सकते हैं वो, और वो है डिस्कशन या डायलॉग विद कंसर्न ग्रुप्स। जितने भी, जैसे सपोज करो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई कानून बनाने जा रही है, तो वो वहां पर फार्मर्स की जो यूनियन है उससे वो पहले परामर्श करती है और उस परामर्श को ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाती है। सपोज करो मजदूरों से रिलेटेड कोई लेबर लॉ बना रही है पार्लियामेंट, तो वो पहले ट्रेड यूनियन से परामर्श करती है और वो ट्रेड यूनियन के परामर्श के आधार पर कानूनों का निर्माण करती है। तो ये जो एडवाइस या डायलॉग इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो इफेक्टेड ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उन ग्रुप से इस्टेब्लिश डायलॉग के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर है और उसी इन्फ्लुएंस्ड और इम्पैक्ट के आधार पर वो कानून बना रही है। तो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कंसर्न ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब क्या है कि वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम जो होता है वो किसी की भी परवाह किए बगैर कानून बनाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट एडवाइस ले रही है, तो ये एडवाइस भी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये संसद के कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रकार का नियंत्रण है। हालांकि संसद इन परामर्शों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हम ये भी कह सकते हैं कि संसद इन डायलॉग्स को, इन एडवाइस को इग्नोर भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फाइनली उन कानूनों को तो वही लोग मानेंगे जिनके लिए बनाया जा रहा है, और वो लोग कब मानेंगे? जब उनकी भावनाओं के अनुकूल कानून बनेगा। तो कहने का मतलब संसद इन संबंधित प्रभावित हित समूहों के परामर्श से बंध कर भी कानून निर्माण का काम करता है। अगला एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर जनमत संग्रह का भी अपना एक नियंत्रण होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ी थी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर तीन प्रकार के उपकरण पड़े थे, तीन प्रकार के टूल्स पड़े थे, जिसमें से एक टूल था रिफ्रेंडम, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या है कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के विषय पर पब्लिक ओपिनियन को जाना जाए कि ये काम जो हो रहा है सरकार के द्वारा वो सही है या नहीं, ये जनमत संग्रह कहलाता है। हालांकि ब्रिटेन में कानूनों के संदर्भ में तो जनमत संग्रह नहीं कराया जाता, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एग्जिस्ट पार्लियामेंट है वो कानून बना रही है, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको जनरल इलेक्शंस के अंदर पब्लिक के द्वारा वैलिडिटी प्रदान की जाती है। अगर जनमत अगले आम चुनावों में जनमत उसी पार्लियामेंट के फेवर में जाता है तो ये माना जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सही काम कर रही है, और अगर उसके अगेंस्ट चला जाता है तो ये प्रूव होता है कि पार्लियामेंट ने गलत काम किया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्लियामेंट में जिस समय जो पार्लियामेंट है वो ये चाहती है कि अगले इलेक्शन में फिर हम इलेक्ट होकर आए, लोगों का सपोर्ट हमको मिले, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो जन भावनाओं को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली हम लोग क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली ये जितने भी इलेक्टर्स हैं, जो इलेक्टोरल ग्रुप्स हैं, आम मतदाता हैं, वो वोटर्स समय समय पर अपने वोट के माध्यम से ये बताते हैं कि पार्लियामेंट सही कर रही है या गलत, तो उसी से बंध कर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना काम करती है। हम लोग ये भी क्या बता सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कैबिनेट का भी एक फियर रहता है। आप लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में एक बात पढ़ी है, और ये उसका नेगेटिव सेंस हम लोग कहते हैं कि जनता की शक्ति पहले रिप्रेजेंटेटिव के पास में आ जाती है, रिप्रेजेंटेटिव से वो पावर कहाँ सेंट्रलाइज हो जाती है, मेजोरिटी वाली पार्टी के अंदर, मेजोरिटी वाली पार्टी से वो पावर वापिस सेंट्रलाइज हो जाती है कैबिनेट के अंदर। तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत संसद की जो शक्तियां हैं या संसद के जो कार्य हैं वो मुख्यतः मंत्रिमंडल के द्वारा
कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, उनको मंत्रिमंडल के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तो संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुरूप ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करते हैं, और मंत्रिमंडल जो है वो लोगों के बीच में समय समय पर जाता है, लोगों के बीच में उसको रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, इसीलिए लोगों की भावनाओं के अनुरूप डायरेक्शन या दूसरे काम करने का जो गाइडेंस है वो पार्लियामेंट को प्रदान करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण है संसद की इस शक्ति के ऊपर। संसद को जो लीडरशिप प्रदान करने का काम है वो इसी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, और कन्वेंशंस के माध्यम से समय समय पर, जैसे हमने कहा वहां पर मंत्रिमंडल का भी विकास हुआ है, तो समय समय पर कन्वेंशंस के आधार पर इन मंत्रिमंडलों को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गई है कि उससे सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट या जो संसद की प्रभु शक्ति है वो प्रभावित हुई है। तो ये एक और रीजन हम बता सकते हैं। कुछ और दूसरे प्रोविजंस की बात करें तो हम आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन यूरोपियन महाद्वीप का एक हिस्सा है, और यूरोप के देशों की अपनी एक संसद है। तो यूरोपियन संसद, आप थर्ड ईयर के अंदर पढ़ेंगे यूरोपियन कम्युनिटी ईयू, तो उनकी अपनी जो संसद है उस संसद के अनुरूप काम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट बाध्य है, या उस यूरोपियन संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद को काम करना पड़ता है। तो ये एक और रीजन है जिसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी प्रभावित हुई है। एक और फैक्टर हम बता सकते हैं, ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज, कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है वो मेजोरिटी के बल पर पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट ना हो, निरंकुश ना हो, इसके लिए अपोजिशन पार्टीज, भले ही वहां पर दो पार्टियों का बहुमत प्रधानता है लेकिन फिर भी वहां बहुदलीय व्यवस्था है, और मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण जो विरोधी या विपक्षी दल है वो समय समय पर संसद को, संसद के सदस्यों को, संसद में जिस दल को बहुमत है उसको सचेत जागरूक बनाए रखता है, उसको कंट्रोल करता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, उनके नेचर भी वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को प्रभावित कर रहे हैं। और अगली बात हम लोग बता सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संसदीय संगठन है, आप लोगों ने पढ़ा था ब्रिटेन की संसद का मतलब सम्राट, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, ये तीनों मिलकर ब्रिटेन में संसद बनते हैं। और कभी ना कभी, जैसे पहले ब्रिटेन में सम्राट को वीटो का पावर था, हालांकि अब बंद हो चुका है, साम्राज्ञी एन के बाद में वहां पर वीटो पावर नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो वीटो के माध्यम से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को रोक सकता है। इसी तरह से लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है, हालांकि लॉर्ड सभा दुर्बल है लेकिन फिर भी वो कॉमन सभा के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लॉर्ड सभा भी कानून निर्माण के क्षेत्र में निरंकुश नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये भी इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करता है, और जब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब पार्लियामेंट एब्सोल्यूट नहीं हो रही है, वो निरंकुश होकर काम नहीं करती है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण है। तो ये कुछ फैक्टर्स अभी हम लोगों ने देखे जो ये प्रूव करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम तो है लेकिन फिर भी वो कुछ एनवायरमेंट से बंधी हुई है, और उन्हीं बंधनों में बंध कर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है।